नमस्कार दोस्तों, मदरसा एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग 7 अक्टूबर 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ आए हैं। उम्मीद करता हूं आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। और चलिए देर न करते हुए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर देखिए, अभी कॉर्पोरेट शुरू हुआ है। ये कॉर्पोरेट क्या है? कॉर्पोरेट देखिए क्या है, INBN कोऑर्डिनेशन पेट्रोल, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश मिलके क्या करेंगे, सी में कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग करेंगे, जिसका नाम है कॉर्पेट, ठीक है। ये कौन से सी में होगा? तो ये होगा बे ऑफ बंगाल में होगा, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में हुआ, कब हुआ? 4 से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में हुआ, ठीक है। कॉर्पेट, ये कॉर्पेट का 3रवा सदर था। इससे पहले 2018 में ये प्रथम बार हुआ था, ठीक है। देखिए, एक नई विज्ञान नीति आई है। नई विज्ञान नीति के अनुसार जितना भी कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उनकी क्या की जाएगी, रेटिंग की जाएगी। रेटिंग किस स्तर पे की जाएगी कि उसमें कितनी महिला स्टाफ काम करती है, यानी कि आपकी जितनी महिला स्टाफ काम करती है उसके हिसाब से आपकी रेटिंग उतनी ही अच्छी होगी। 3 नंबर देखिए, ठीक है, उड़ीसा के CM ने एक स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। और उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक, जिनको पप्पू भी बोलते हैं, ठीक है, इसे उनका निकनेम भी है, ठीक है, नवीन पटनायक। इन्होंने ये कहा है कि हम क्या करेंगे, अगले 3 साल में उड़ीसा को स्लम मुक्त कराएंगे। स्लम का मतलब होता है झुग्गी और झोपड़ी। तो झुग्गी झोपड़ी से मुक्त कराने के लिए किस राज्य ने स्कीम निकाली है? तो उड़ीसा ने निकाली है। CM कौन है? नवीन पटनायक है। 4 नंबर देखिए, गूगल इंडिया ने दूरदर्शन के साथ समझौता किया है। और दूरदर्शन के साथ समझौता करके क्या किया है इन्होंने? इन्होंने एक प्रोग्राम निकाला है जिसका नाम है नमस्ते डिजिटल। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? नमस्ते डिजिटल। इस प्रोग्राम के माध्यम से जितने भी छोटे व्यापारी हैं, जिनको कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उन छोटे व्यापारियों की सुख सुविधा के लिए ये प्रोग्राम लाया जाएगा। इसमें ये बताया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, ठीक है। तो किसके साथ किया है ये? दूरदर्शन के साथ किया है। 5 नंबर देखिए, आईआईटी खड़गपुर ने क्या किया है, एक टेलीमेडिसिन प्रणाली बनाई है। टेलीमेडिसिन प्रणाली क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, पहले इसका नाम लिख लें। इस प्रणाली का नाम है आई मेडिक्स। देखिए क्या होता है, जैसे आप कोरोना की वजह से पता है आपको ये कहा जा रहा है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो घर से ना निकले, तो इसी के लिए क्या है, टेलीमेडिक्स प्रणाली है, आई मेडिक्स। इसके तहत क्या होगा, आप ऑनलाइन क्या है, डॉक्टर से बात कर सकते हैं और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपको फॉर्मेट में भेज देंगे, PDF में भेज देंगे या फिर JPG में भेज देंगे। उससे क्या होगा, आप घर पर बैठे बैठे डॉक्टर को दिखा पाएंगे और आपको आने जाने का प्रॉब्लम नहीं होगा। और थोड़ा आपको क्या मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा, आने जाने का खर्चा मुक्त हो जाएगा और कोरोना की वजह से जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने का खतरा होता है वो भी नहीं होगा। तो किसने कहा है ये IIT खड़गपुर ने किया है। 6 नंबर देखिए, सरकार ने कहा है कि जुलाई 2021 तक, ठीक है, हम लोग भारत के 20 से 25 करोड़ लोगों के लिए क्या बना लेंगे, दवाई बना लेंगे। और दवाई की जो खुराक होगी वो 400 से 500 मिलियन खुराक होगी, यानी कि 40-50 करोड़। तो जुलाई 2021 तक हम 40 से 50 करोड़ दवाई बना लेंगे भारत के 20 से 25 करोड़ लोगों के लिए। तो राज्य से डाटा मांग रहा है कि किन राज्यों में कितने पेशेंट है, उसके हिसाब से डेटा दीजिए ताकि हम जो दवाई हो आपको दे पाए। 7 नंबर देखिए, आईआईटी कोटायम ये पड़ता है आपका केरला में। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने OSOCP लॉन्च किया। ये क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इसमें सिखाया जाएगा। इसका मतलब ये है, सीधा से समझ लीजिए, जैसा जूम ऐप काम करता है,
वो ऐसा किया जाएगा। जूम ऐप में क्या है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप मीटिंग कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तो सेम उसी तरीके से ये किया जाएगा। इसको फंडिंग किसने दिया, भारत सरकार ने दिया, तो ये कहीं ना कहीं सिक्योर है। जूम का क्या हो जाएगा, आपका डेटा प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो डेटा जो है वो विदेशों में बेच सकता है, जैसे टिकटॉक के साथ हो रहा है, क्योंकि उसी बैनर पे, उसी बिहाफ पे हम लोगों ने क्या टिकटॉक को बैन किया है, तो ये पूरी तरीके से भारतीय है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, जितना भी ऑनलाइन कक्षा सामग्री संचालन जितना भी चीज़ें सब इसमें किया जा सकता है। तो किसने किया है, जूम जैसा ऐप लॉन्च, तो वो IIT कोट्टायम ने किया है। 8 नंबर देखिए, मिशन तंदुरुस्त पंजाब लॉन्च किया गया है, यानी कि क्या बनाया जाएगा, पंजाब को तंदुरुस्त बनाया जाएगा। इसके लिए क्या हो गया, वहाँ के जो CM है, नाम है कैप्टन साहब, ठीक है, बोलते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये सेना में कैप्टन थे। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, एम्बुलेंस का निर्माण करेंगे, एम्बुलेंस को बनाएंगे और गाँव में भेजेंगे, और भी गाँव को जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, वो करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि इन्होंने ये कहा है कि हम 750 ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रामीण में स्टेडियम होगा तो उतनी ज़्यादा क्या होंगे, लोग जाएंगे और वहाँ पे क्या होंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, कसरत वसरत करेंगे। 9 नंबर देखिए, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1 अक्टूबर को देखिए होता है विश्व ओल्डर पीपल डे। ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनका दिवस होता है 1 तारीख को, तो उस अवसर पे क्या हुआ, इन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया 2020 से 2030 तक, यानी 1 दशक का ये कार्यक्रम है। इस 1 दशक में हम क्या करेंगे, इस 1 दशक में देखिए, इसका कार्यक्रम का नाम है स्वस्थ वृद्धावस्था दशक। इस 1 दशक में हम क्या करेंगे, जितने भी लोग हैं हमारे वृद्ध हैं, उनको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका खास ख्याल रखना करेंगे इसमें। ठीक है, तो 2020 से 2030 तक भारत में कौन सा दशक मनाया जाएगा, स्वस्थ वृद्धावस्था दशक मनाया जाएगा। 10 नंबर देखिए, ठीक है, हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं, ये कौन है, ये है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बहुत सारा, आपको पता है 2 अक्टूबर को क्या लॉन्च हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था, उसके तहत क्या हुआ था कि हमने ये प्रण किया था कि गांधी जी के जब 150वां जयंती आएगा तब तक हम भारत को स्वच्छ कर देंगे, तो उस क्रम में हम लोगों ने काफ़ी आगे बढ़े हैं, तो उसी में इन्होंने अवार्ड दिया। अवार्ड किसको किसको दिया, ग्राम पंचायत जिला स्तर पर इस सबको अवार्ड मिला, तो उस स्तर पर ग्राम जिला और पंचायत स्तर पर सबसे अच्छा राज्य कौन सा हुआ, तो वो हुआ गुजरात। 11 नंबर देखिए, 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर डे। भारत में टीचर डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, ऐसे विश्व में 5 अक्टूबर को मनाते हैं। इस बार इसका थीम क्या था, इस बार इसका थीम था टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर, यानी कि टीचर है वो हमारे अब किस में साथ दे रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम में हमारे साथ दे रहे हैं, हमको लीड कर रहे हैं, जिससे हमारा भविष्य क्या है, थोड़ा अच्छा होने का उम्मीद है। 12 नंबर देखिए, PCA का मतलब होता है प्रोफेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन, जितने भी क्रिकेटर खेलते हैं, जो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते हैं उसका एसोसिएशन। इन्होंने ये कहा है कि PCA के मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं, तो ये बने हैं इंग्लैंड के क्रिस वोक्स, ऑलराउंडर है। ठीक है, तो PCA के मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं, क्रिस वोक्स बने हैं। 13 नंबर देखिए, असम ने क्या लॉन्च किया है, देखिए असम काफ़ी ज़्यादा लॉन्च कर रहा है, ट्रिसम लॉन्च कर रहा है, और भी काफ़ी सारा स्कीम था, तो असम ने फिलहाल लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी स्कीम, साइबर
सिक्योरिटी जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो किस राज्य ने अभी फिलहाल ज्वाइन किया है? असम ने लॉन्च किया है। ये एक महीने का होगा, ठीक है, और इसको असम पुलिस के सहयोग से रिलीज किया गया है। चलिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको रिलीज कर देता हूँ। आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छी बात है, इसको देखते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। यहाँ पे माइक थोड़ा सा गिर गया है, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। चौदह नंबर देखिए, आपको पता है बिहार में क्या होने वाले, इलेक्शन होने वाले हैं। तो बिहार के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, पर्यवेक्षक नियुक्त किया। पर्यवेक्षक का मतलब ये होता है कि ये चेक करते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ के पर्यवेक्षक है, खर्च पर्यवेक्षक, कि कितना खर्च जितना बोला गया है उतना ही करें, उससे ज़्यादा ना करें। तो इसके लिए दो लोगों को रखा गया है, नाम है एक का मधु महाजन और दूसरा का नाम है आपका बी आर बाला कृष्णन, ठीक है, तो याद रखिएगा। पंद्रह नंबर देखिए, 2019 का डेटा है, आपको पता है एनसीआरबी का डेटा आ रहा है लगातार, जिसमें महिलाओं के खिलाफ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, एससी एसटी सबके खिलाफ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं वो बताया जा रहा है। तो देखिए एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसमें ये कहा गया है कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो टॉप है, फर्स्ट है, किसमें, पुलिस पर केस रजिस्टर करने के लिए। यानी कि जब हम पुलिस पे केस रजिस्टर करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अधिक किस राज्य में हुआ, आंध्र प्रदेश में। ये गलती से हुआ है, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था आंध्र प्रदेश को 9वां नंबर पे, लेकिन इन्होंने अपनी गलती से उसको मिनिमाइज नहीं किया और गलत डेटा भेज दिया एनसीआरबी को, जिसके कारण ये क्या हो गया, पहले नंबर हो गया। यानी कि सबसे ज़्यादा किस राज्य के पुलिस पे केस हुआ है, तो आंध्र प्रदेश की राज्य पे हुआ है। 16 नंबर देखिए, इसमें ये बोला जा रहा है कि पिछले 5 साल में भारत में चोरों ने तकरीबन 32,892 करोड़ रुपये का क्या हो गया है, चोरी कर दिया है। ये बहुत बड़ा डाटा होता है, ये 32 करोड़ या 33 करोड़ जो है, तकरीबन समझ लीजिए अटल टनल जो बना है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा है, ठीक है। 17 नंबर देखिए, अभी हमारे सेना प्रमुख, आपको पता है सेना प्रमुख जो है एमएम नरवणे, और एमएम नरवणे के साथ हमारे विदेश सचिव जिसका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला, ये दोनों म्यांमार गए थे, ठीक है, और एमएम नरवणे की पहले विदेश यात्रा भी थी। तो म्यांमार के लिए भारत ने दो काम किए हैं, ठीक है। पहला तो ये किया है कि वहाँ पर COVID-19 से लड़ने के लिए भारत ने म्यांमार को 3,000 दवाइयाँ दी हैं, किसकी, रेमडेसिविर की। ये दवाई किसके लिए यूज़ होता है, COVID-19 के लिए यूज़ होता है, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ क्या किया है इसके लिए तो याद रखिएगा, आपको पता है म्यांमार एक बुद्धिस्ट देश है, अब बुद्धिस्ट देश में पेगोड़ा होते हैं, पेगोड़ा उन जगहों को कहते हैं जहाँ पे मठ जो होते हैं, मठ को पेगोड़ा कहते हैं। तो देखिए 2016 में एक जगह है जिसका नाम है बगान या बजान बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो बगान या बजान बोलते हैं। वहाँ पे 2016 में क्या हुआ था, एक भूकंप आया था, जिससे क्या हो गया था, उस जगह के कुछ नुकसान हो गया था। ये जो बगान है ये आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो इसका निर्माण के लिए पैसा कौन दे रहा है, भारत सरकार दे रही है, पहला चीज़ ये। दूसरा, COVID-19 के लिए 3,000 cc रेमडेसिविर की दवाई हम लोगों ने किस देश को दी है, म्यांमार को दी है। हमारे सेना प्रमुख एमएम नरवणे और हर्षवर्धन श्रृंगला, ये दोनों कहाँ हैं, म्यांमार गए हैं, और एमएम नरवणे की ये पहली आधिकारिक यात्रा है।
18 नंबर देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्देश जारी किया। निर्देश किसको जारी किया? आरबीआई को, इसके साथ ही केंद्र सरकार को। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने एक कमेटी की रिपोर्ट पर कोई सुध नहीं लिया, उसको लागू नहीं किया। कमेटी का नाम है आपका केवी कामत कमेटी, ठीक है, केवी कामत कमेटी। ये कमेटी क्यों बनी थी? देखिए, ये कमेटी इसलिए बनी थी ताकि जो जितने भी हमारे क्या बोलते हैं इंडस्ट्री हैं, उन पे क्या कोविड का बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, कुछ तो इंडस्ट्री बंद भी हो गई, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उनको रिवाइव करने के लिए, उनको वापस से चालू करने के लिए कुछ फंड देना पड़ेगा। तो ये केवी कामत ने ये कहा था, तो इस पे आरबीआई और केंद्र सरकार ने किसी ने भी सुध नहीं लिया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है कि आप लोग केवी कामत कमेटी को क्या करें, थोड़ा सा इस पे काम करें। और क्यों लागू नहीं हुआ इसके बारे में बताएं। 19 नंबर, भारत ने अभी क्या हो गया, स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया। ये मिसाइल जो है एंटी टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो याद रखिए, टॉर्पीडो हम यूज़ करते हैं सबमरीन में, तो ये सबमरीन से रिलेटेड मिसाइल है, ठीक है। ये इसका पूरा नाम हो जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पीडो, ठीक है, टॉर्पीडो याद रखिएगा, ये सबमरीन में यूज़ होता है। और इसे कहाँ से छोड़ा गया? इसे व्हीलर आइलैंड से छोड़ा गया। ये व्हीलर आइलैंड का अब नाम चेंज होके क्या हो गया, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। और व्हीलर आइलैंड किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। 20 नंबर देखिए, काजी रशीद मसूद का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और 73 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। 21 नंबर देखिए, और ये पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, केरल ने ये कहा है कि बिजली व्यवस्था उसके राज्य में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इसलिए बिजली व्यवस्था को ठीक करने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक अंतर्राज्यीय यानी पूरे अंतर्राज्य के लिए आप बिजली परोक्ष पर एक बिजली नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिसमें पूरा राज्य को क्या मिलेगा, बिजली मिलेगा। ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अभी जितना बिजली मिल रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और वहाँ पे सीवियर कट हो रहा है, तो इसके लिए केरल ने ये क्या कहा है कि बिजली के लिए हम क्या करेंगे, एक नया मैकेनिज्म लाएंगे और जिससे राज्य में अच्छी बिजली मिले। 22 नंबर देखिए, हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री का नाम क्या है, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने केंद्रीय हिंदी संस्थान जो कि आगरा में है, उसका एक ब्रांच खोला है। इसका एक ब्रांच कहाँ खोला है, तो ये खोला है हैदराबाद में, ठीक है। केंद्रीय हिंदी संस्थान जो कि आगरा में है, उसका एक ब्रांच हैदराबाद में खोला है, और किसने खोला है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खोला है। 23 नंबर देखिए, कायाकल्प पुरस्कार मिला है। ये कायाकल्प पुरस्कार जो होता है, ये केंद्र की सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये हॉस्पिटल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी कर्नाटका राज्य के 3 हॉस्पिटल्स को क्या मिला है, कायाकल्प पुरस्कार मिला है। ये 3 हैं आपके, विक्टोरिया हॉस्पिटल, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज एंड बल्लारी जिला हॉस्पिटल, इसको 2019-20 का क्या मिला, कायाकल्प पुरस्कार मिला है। टोटल 3 है, कर्नाटका में आते हैं और हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र के लिए दिया जाता है। चलिए अंतिम देखिए, अभी गोवा सरकार ने ये कहा है कि वो कर्नाटका सरकार पे क्या करेगी, केस करेगी। किस लिए केस करेगी, क्योंकि कर्नाटका सरकार क्या कर रही है, एक नदी है जिसका नाम है महादई नदी,
इस महादेवी नदी के पानी को यूज़ करने के लिए, ठीक है, क्या कर्नाटका क्या कर रहा है, डैम बना दे रहा है। और उससे क्या हो रहा है, इस पानी का जो है, देखिए ये नदी का पानी कौन कितना यूज़ करेगा, इसके लिए क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। दोनों राज्यों में लड़ाई होती रहती है, तो जब लड़ाई हो रही है तो ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अधीन अभी। लेकिन कर्नाटका इसका क्या बहाव मोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसके राज्य में ज़्यादा पानी मिले, तो इससे गोवा क्या है, परेशान है, ठीक है। तो इसी के लिए गोवा ने ये कहा कि हम कर्नाटका पे क्या कर देंगे, केस कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और जहाँ तक पीडीएफ की बात है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।